आप जो भी चीज बाहर ढूंढ रहे हो, पूरा देश भ्रमण कर तीर्थ यात्रा कर पूजा व्रत कर, पर वे आपके भीतर ही है, आपको वे बाहर नहीं मिलेगा। आप सत्य की तलाश में, ज्ञान की तलाश में निकल रहे हो, घर छोड़कर मुक्त होना चाहते हो, परिवार छोड़कर मुक्त होना चाहते हो, तो ये बात जरूर ख्याल करिए, आप घर परिवार छोड़कर जहाँ भी जाएंगे वहीं आपको बंधन होगा। बंधन तो बाहर नहीं है, बंधन तो आपके भीतर है। घर परिवार आपको मन से त्यागना है, बाहर से कुछ भी त्यागने की जरूरत नहीं है। घर परिवार, नियम, संस्कार, समाज, देश, जो भी आपके अंदर संस्कार होके बैठा है, उसको बस मन से त्यागना है। आप घर छोड़कर बाहर जाओगे तो आप जंगल जाके अकेले तपस्या कर तो नहीं बैठोगे, आप एक आश्रम बनाओगे, फिर कुछ शिष्य भी होंगे, फिर वही बंधन शुरू हुआ, फिर वही नियम शुरू हुआ। क्योंकि मनुष्य कितना भी अकेले रहना सीख जाए, कितना भी अकेले में खुश हो जाए, पर वे एक समाज की घेरा में ही रहता है। आप घर परिवार समाज यहाँ का बंधन से तो छूट गए, पर आप वहाँ का बंधन में पड़ गए। आप गुरु हो या शिष्य हो, कुछ नियम तो होगा ही, उस नियम में रहना ही पड़ेगा, गुरु को भी शिष्य को भी। इससे तो बहुत अच्छा है आप घर में रहकर ही मुक्त हो जाओ। हम घर परिवार के साथ ही रहेंगे तो हमें बेकार के बहुत सारा नियम करना नहीं पड़ेगा, हम अपनी मर्जी से चल सकते हैं, अपना नियम खुद बना सकते हैं। भीतर से आप मुक्त हो गए तो घर परिवार समाज ये आपके लिए बाधा होगा ही नहीं। इसीलिए आप खुद को समय दीजिए और धीरे धीरे कर जिस परिस्थिति में है, जिस जगह पर है, जहाँ पर आप है, वहीं पर रहकर मुक्त हो जाइए। क्योंकि ज्ञान हो जाने के बाद, मुक्त होने के बाद किसी का भी नियम कानून ये हमें अच्छा नहीं लगेगा। कोई ऐसा करने के लिए कहे, कोई ये कहे, कोई कुछ कहे, वे सब नियम कानून हमें अच्छा नहीं लगेगा। हाँ, आपको मान सम्मान चाहिए, अपने नाम से धर्म प्रचार करना है आपको, तो आप निकल सकते हैं, तो आप शिष्य भी बना सकते हैं। पर आपका लक्ष्य मुक्ति ही है, ज्ञान ही है, तो आप जिस परिस्थिति में जहाँ है वहीं पर मुक्त हो जाइए। नहीं तो आप जहाँ जाओगे वहीं फंसोगे, क्योंकि लोग तो समझते नहीं, आप तो हर बंधन से मुक्त हो गए, आपके लिए कुछ भी बंधन नहीं है, पर दूसरों के लिए आपको बंधन में रहना पड़ेगा, दूसरे के लिए नियम में रहना पड़ेगा। जो मुक्त पुरुष है वे खुद भी मुक्त होकर रहते हैं और दूसरों को भी मुक्त करते हैं। किसी का नियम, किसी का बंधन उन्हें अच्छा नहीं लगता है, इसीलिए बाद में बुरा अनुभव होगा। इसीलिए जहाँ है जैसे परिस्थिति में वहीं मुक्त होना सबसे बेहतर तरीका है। आप कुछ अच्छा काम करना चाहते हो तो घर से ही शुरू कीजिए, ना कोई जाति के नाम पर, ना कोई धर्म के नाम पर, बस मानव होकर अच्छा काम कीजिए। नहीं तो आप एक जगह से भागोगे दूसरे जगह पर फंसोगे, इसीलिए भागना नहीं है। जब ज्ञान हो गया, जब असत्य को असत्य की तरह देखने लग गए, फिर क्या पकड़ना क्या न पकड़ना, क्या त्यागना क्या नहीं त्यागना,
ऐसी कुछ बात ही नहीं आएगा।